I am back. Turn on notification bell. Don't miss updates. आ गए आप? केम छो? दोस्तों इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स दी हुई हैं और यूट्यूब पर भी कई एप्स बताई जा रही है जिनमें कहा जा रहा है कि इन पर किसी का भी फोन नंबर डाल लो और पता लगा लो कि फलाना आदमी कहाँ बैठा है। तो क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं देव कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक। नेचर के रक्षक, मैं भी हूं नेचर। दोस्तों इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी और गूगल प्ले स्टोर में भी कई एप्स देखी होंगी और यूट्यूब पर भी कई वीडियोस में बताया जा रहा है कि इस ऐप में आप अपने यार प्यार दिलदार का बस फोन नंबर डाल दो और पता लग जाएगा कि वो किस जगह बैठकर मजे ले रहा है। भाई पहली बॉल पर ना पहली विकेट ले लेते हैं। ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो एप्स हैं, ये जो दावा करती हैं कि भाई फोन नंबर डालने के बाद आप उनकी लोकेशन को एक्सेस कर लेंगे, इन वेबसाइट्स का, इन एप्स का सच ये है कि ये झूठ है। किसी भी वेबसाइट या ऐप के द्वारा ऐसा नहीं हो रहा है और ना ही हो सकता है, तो खुद को परेशान ना करें। पर अब सवाल ये उठता है, क्या मोबाइल नंबर के जरिए हम किसी की लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, परंतु इसके लिए आपको टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टॉवर की जानकारी चाहिए। ये होता है मोबाइल टॉवर के जरिए। अच्छा, इसे ऐसे समझ लेते हैं कि मोबाइल टॉवर से स्ट्रेंथ के रूप में मापा जाता है। जो मान लो एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, इस ये किसी मोबाइल टावर से कनेक्टेड है, यानी कम्युनिकेट हो रहा है, तो उससे इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर एल्गोरिथम। कैसे? मतलब मान लो यहाँ मोबाइल है, एक टावर यहाँ है, एक टावर यहाँ, एक टावर यहाँ है, तो इससे इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, इससे इसकी कितनी स्ट्रेंथ, और इससे इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, इससे ट्रायंगुलर बन जाता है। तो वहां पर अंदाजा हो जाता है, लगभग एग्जैक्ट बिंदु फिर भी नहीं पता चलता, तो लगभग अंदाजा हो जाता है कि ये फोन या ये डिवाइस किस जगह स्थित है। पुलिस वालों को इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मदद चाहिए होती है, जो बता सके कि बेस टावर स्टेशन कहाँ है, क्योंकि अलग अलग BTS की ID अलग अलग होती है, जिससे लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। यानी कुल मिला के यदि आप किसी मोबाइल नंबर के जरिए किसी की लोकेशन पता लगाना चाहते हैं, तो आपको सभी बेस टावर जितने भी BTS हैं उनकी ID पता होनी चाहिए और वो सॉफ्टवेयर भी चाहिए। वो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन चलो ढूंढ भी लिया तो आपको जो टावर्स हैं उनकी आईडी भी चाहिए होगी। तो कुल मिला के फोन नंबर के जरिए आप किसी के लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो या तो आपको पुलिस वालों की मदद चाहिए या किसी बड़े हैकर की मदद चाहिए जिसके पास ये सारी जानकारी हो और वो सॉफ्टवेयर भी हो। हैकर आपकी क्यों मदद करेगा, और इतनी छोटी सी बात के लिए आप हैकर की मदद लोगे भी क्यों? और भैया मोबाइल स्विच ऑफ है, तो किसी के पापा के भी बस की नहीं है मोबाइल को ट्रैक करना। अब चलते हैं GPS की तरफ। भाई यदि आप GPS के द्वारा किसी के फोन को लोकेट करना चाहते हो, तो लॉस्ट मोबाइल के बहुत सारे फीचर्स आपको कंपनियों द्वारा दिए जा रहे हैं। मैंने वीडियो बनाई है, इसमें आप लॉस्ट मोबाइल के द्वारा, मतलब लॉस्ट मोबाइल के फीचर्स की मदद से मोबाइल को ट्रैक कर सकते हो, या आपको किसी के फोन में ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल करनी होगी, मतलब छुप के। अगर आप ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर देते हो, तभी आप उसकी जानकारी के बिना उसके मोबाइल को ट्रैक कर सकते हो। लेकिन ये कर सकते हो केवल आप अपने कर्मचारियों या आपके घर में जो बच्चे हैं उनके फोन में। और अगर आप यूं ही करते हो, छुप के करते हो, तो और पकड़े गए ना, तो पुलिस वाले इतना मारेंगे और ऐसी ऐसी जगह मारेंगे किसी को दिखा नहीं पाओगे। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप केवल फोन नंबर के जरिए किसी के फोन को ट्रैक करना चाहते हो उसकी जानकारी के बिना, तो या तो आपको पुलिस वालों की मदद लेनी होगी या किसी बड़े हैकर की मदद लेनी होगी, जो कि एक सही रास्ता रही है। तो भैया अंतिम शब्द ये हैं कि जो भी वेबसाइट्स मिल रही हैं, जो भी एप्स मिल रही हैं, इनमें खुद का समय, खुद की MB, खुद की बुद्धि को नष्ट करके खुद को कष्ट ना दे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, दिल में कोई बात हो तो कमेंट कर देना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो यार सब्सक्राइब कर लेना। भाई अच्छा हुआ हमारे नरेंद्र मोदी जी की नज़र व्हाट्सएप पर नहीं पड़ी, नहीं तो इसका नाम भी बदल के वो रख देते, निःशुल्क जनधन गपशप योजना। रिवाजों से सम्मा...